लुबला के बोला तू जा पनडी ढाली काढ़े के हरियाली ले घर का ताड़ी दे दे कमरी काली हो गई।
सजा मिली मन तगा पाच ते इश्क दावन की और सजा मिली मन तगा पाच ते इश्क दावन की बढ़िया की मन छा की तेरी भैंस चरावन की खत ना हो राजी बन के माइक लीड तो छोड़ दे यार मत ना हो राजी बन के दुल्हन कहने की होगी गुनह कर तू के रंगे गाने होगी गुनह कर तू के रंगे गाने होगी कर तू के रंगे गाने ये जो इधर बैठे हैं हाँ एक ये और इनका तो नाम पता नहीं है मुझे हाँ इनके तो नाम है मैं नाम इनका है संदीप जी अरे इसको छोड़ यार ये इतनी लंबी है यूं कह ये महफिल में इनका क्या हाँ। ये जो इधर बैठे हैं उधर बैठे यूं कहो वो जो महफिल में परे कुछ और परे बैठे हैं हाँ। वो जो हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं हाँ, हाँ। कोई जाकर उनसे ये कह दे कि हम उन पे मरे बैठे वाह क्या हाँ। कहा है और सुनिए इनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ दोनों के लिए कहिए दिल का आलम मैं क्या बताऊँ
देखिए हमारे पंकज भाई की तरफ से सभी कलाकारों को 100-100 रुपए का पुरस्कार दिया है। एक बार जोरदार ताली। मैं पंकज भाई से अनुरोध करूंगा, जितना मेहनत ये कलाकार गाने वाले कर रहे हैं, अगर हो सके उससे ज्यादा मेहनत हमारे उस्ताद लोग कर रहे हैं बजाने वाले, भाई इनका भी मान सम्मान आप करके जाओ। हमारे जो उस्ताद लोग हैं संगीत का, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आप चाहो इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनका कम से कम 100-100 रुपए दे करके। हाँ बिल्कुल, पंकज भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली। सबसे ज्यादा इनकी मेहनत है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई। तेरी बिहारी और चीर का फल के हलवा के भाई और चीर का, कोई ना कोई बोल तेरे में तो के नीर का, कड़के कहे देखो यो आशिक हीर का, ऊपर खेऊंगा भावे बोला के दी मुस्कान
क्या मैं सत ना रह रहा, मत ना करे विराट मने। शुरू से लेकर अंतिम तक बात बताता है, कभी लिख रहा है कि वो बैल उसकी आत्मा अपने मालिक के लिए क्या कहती है, सुनेंगे क्या बताया। डेढ़ साल का बालक था मैं, डेढ़ साल का बालक था, जब नाथ सरोज गलाया था, उम्र दो वर्ष थी मेरी, जब जुए तले लगाया था, हल जोता तेरी काटी खेची, कोल्लू तेरा जलाया था, चुकता कर दिया, चुकता कर दिया गौ माता ने, अरे जितना दूध पिलाया था, वो चुकता कर दिया गौ माता ने, अरे जितना दूध पिलाया था, कमा कमा के घर भर दिया, कमा कमा के घर भर दिया, ऊंची राखी शहर मने आदरणीय हमारे बीच में ठेकेदार साहब, बोलू भाई साहब, जिन्होंने कई हजार पहले दिए गौ माता के से बैल देवता के इस भजन पर खुश होकर के 500 रुपए का पुरस्कार दिया। और दीप जी, संदीप जी, आदरणीय बाबू जी संदीप जी, कई हजार रुपए उन्होंने पहले दिए और फिर से कम गौशाला में भी 2,51,000 रुपए दिए। भाई ऐसे दानवीरों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली, तालियों में कंजूसी मत करना। संदीप का ध्यान, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप का ध्यान जी, आपने भी मान सम्मान किया। आइए दूसरी कली के माध्यम से अपने मालिक से कहता है, मेरे दादा, ओ मालिक, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे भगवान, मैंने सदा तेरा सम्मान किया है, कभी तुझसे मैं ये नहीं कहा, मैं तुझसे पीछे भी नहीं हटा किसी काम के लिए, तूने मुझसे कहा, लेकिन आज आज तू मुझे अकेला क्यों छोड़ रहा है, जब जीवन भर मुझे साथ रखा, मुझसे तेरी मित्रता हो गई, मैंने तुझको अपना मालिक मान लिया, अपना भाई मान लिया, तो क्यों दूसरे का हाथ पराए कर रहा है मुझको, किस प्रकार से क्या बताया। आइए चाटे में तेरी खेल रुका, मैं चाटे में तेरी खेल रुका, गांव में गैल चला करता, गहरी जावे हल्की फाड़ी, हितकारी गैल फिरा करता, नहीं कदे मन मानी हार, मेरा कंधा खूब मल्या करता, जितना वो दिया बीज मने, तेरा सौ सौ गुना भला करता, जितना वो दिया बीज मने, तेरा सौ सौ गुना भला करता, अरे सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, ही घर दान मने, किसान मने।
अच्छे गौ भक्त गौ प्रेमी आदरणीय रणदीप कादियान जी, उनकी तरफ से भी 1000 रुपए का पुरस्कार इस भजन पर दिया गया, उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा दें, जोरदार ताली। प्रेमी सजनों, वो बैल कहता है कि अब जमाना बदल रहा है मालिक, तू भी बदलने लगा। अरे जमाना बदलता नहीं है, समय नहीं बदलता है, इंसान बदल जाता है, समय तो वही रहता है। आज तेरे लिए मशीनरी आ गई खेती करने के लिए, तो मेरी जरूरत नहीं रही। अरे मैं जैसा तुम बोलता था, जैसा बीज तेरे खेत में बोता था, 100 गुना फला करके तुझे मिलता था, आज मतलब निकल गया। क्यों मतलब ही हो रहा है, किस प्रकार से तीसरी गली में केवला। पई ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, मेरी बात में रोल नहीं, भरी जवानी खेत कमाया, हुआ मैं डामा ढोल नहीं, आया बुढ़ापा बेचने लगा, मन आया बुढ़ापा तू बेचने लगा, मेरे कोड़ी तक का मोल नहीं, सारा दर्द तले सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे पेश कमों में बोल नहीं, सारा दर्द सुना दूंगा, साइयों के हाथों बेग तो रहा है, लेकिन एक बात मेरी भी सुनता जा। आदरणीय बलवीर कादियान जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद हमें दिया गया और 500 रुपए का पुरस्कार गुप्त दान के रूप में हमारी पार्टी को देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेमी सज्जनों, 3 कली बेशक न सुनी हो, लेकिन इस 4थी कली को आप सुनिएगा, भजन का निचोड़ है इस 4थी कली में। उस बैल की आत्मा कह रही है, हे मालिक सुन ले मेरी बात, मैं चला जाऊंगा, हंस के चला जाऊंगा इस कसाई की गैल, लेकिन एक बात सुन लेना, जिस गौ माता को तुम मां मानते हो उसी की कोक से इस बैल ने जन्म लिया है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उस गौ माता की कोक से इस बैल ने जन्म लिया है। अरे मुझे ही नहीं, तुझे ही नहीं, अगर उस कसाई ने मुझे काट दिया तो किस किस को लानत लगेगी, क्या बताया 4थी गली में। इरे मत ना हवाले करे मने, तू मत ना हवाले करे मने, उन बेदर्द कसाईया के हथे में मेरा कात फसा दे, दया नहीं अन्याया के, मेरी नाल पे आरा धर दे, मेरी नाल पे आरा धर दे, लगे लानत जननी माया के। और सुन फिर क्या होगा, मेरी नाल पे उस कसाई ने आरा दिया तो क्या होगा, भाई मेरे नाल पे आरा धर दे, लगे लानत जननी माया के, अरे तेरे मेरे दोष नहीं, लगे सारे हिंदू भाइया के, तेरे मेरे दोष नहीं, लगे सारे हिंदू भाइया के, आजाद सिंह अब तेरी मर्जी, आजाद सिंह
परिचय की मोहताज नहीं है, आप सभी की लाडली कलाकारा जिन्होंने यूपी हरियाणा राजस्थान में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अपनी कलाकारी बिखेर के अपनी ऊंची आवाज से अनेकों अनेक धार्मिक ऐतिहासिक व देशभक्ति रागनी गा करके अपनी अलग ही पहचान बनाई, जिनको रागनी जगत की नंबर एक श्रेणी की कलाकार कहा जाता है, मैडम दीपा चौधरी मंच पर पहुंची है। मैं आपकी सभी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। धन्यवाद। आ
एक बार